नमस्कार मित्रों, आज फिर मैं उपस्थित हूँ जन सरोकार मंच पर सिलीगुड़ी के एक ऐसी शख्सियत जो पेशे से वकील हैं, पर उसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, समीक्षक और प्रेक्षक भी हैं। इनका परिचय देने से पूर्व मैं देवेंद्र जोशी सर को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनकी मेहरबानियों के माध्यम से मैं सिलीगुड़ी के और विभिन्न क्षेत्रों के साहित्यकारों और विभिन्न पेशे से जुड़े लोगों को मंच पर लेके आती हूँ, और शायद इससे हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को काफी लाभ होता है। तो मेरा प्रयास रहता है कि हमारे जो दर्शक हैं या श्रोता हैं, इन शख्सियतों के माध्यम से जो है कुछ हासिल कर सके। तो अत्री जी के का परिचय देने से पूर्व या साक्षात्कार के अगले चरण से पूर्व मैं ये कविता की चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी कि तीरगी की अपनी जिद है, जुगनुओं की अपनी जिद, कौन सा किस्सा सुनाऊं आपको, मुश्किल है ये, आंसुओं की अपनी जिद है, कह कहूं की अपनी जिद। दोस्तों ने खूब समझाया उलझना मत, मगर रहजनों की अपनी जिद है, रहबरों की अपनी जिद, धड़कनों की अपनी जिद है, या कि आईनी भी अब आरजू की अपनी जिद है, झुर्रियों की अपनी जिद। जी हाँ, ऐसी ही जिद अत्री शर्मा जी के व्यक्तित्व की है। परिस्थिति दर परिस्थिति, मुश्किलें परेशानियों से गुजरता हुआ इंसान टूटता नहीं है, बस अपनी जिद में परेशानियों को मात देता हुआ आगे बढ़ता है और समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बनता है। उस समय जब उसे पिता के सहारे की जरूरत थी, उसे पिता का सहारा बनना पड़ा। भाई से गुफ्तगू करने की इच्छा थी, तब भाई के गुमनाम होने की खबर मिलती है। और जब दुनिया की भीड़ में अपनी पढ़ाई को पूरा कर अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहता है, उस समय परिवार का बोझ उनके ऊपर आ जाता है। खैर, ये तो चंद अल्फाज हैं, हम उन्हीं के माध्यम से सुनेंगे मंच पर उनकी ही जुबानी, उनके अपनी कहानी। तो स्वागत है अत्री सर आपका जन सरोकार मंच पर। नमस्कार। सर, मैं चाहूंगी कि आप अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत सारे लोगों से सुना कि आप सिलीगुड़ी के जाने माने वकील हैं, और वैसे भी मैंने अपने तरीके से भी आपको जाना, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं। कुछ पत्रिकाओं में मैंने आपके पिताश्री के बारे में पढ़ा, आपके परिवार के बारे में पढ़ा, पर मैं आपसे ही अब सुनना चाहूंगी। पिताजी 1954 में सिलीगुड़ी आए थे। हम जी लोग बिहार की एक जगह है बक्सर, जी वहाँ के रहने वाले हैं। और वेदांत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद, वेदांत में पिताजी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था उस समय। जी और 1954 में परिवार, शायद। हाँ, लेकिन उनका यहाँ आना उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित आना नहीं था। जी परिवार की जरूरतें थी और उस समय आर्थिक स्थिति संयुक्त परिवार की काफी खराब थी और खेती बाड़ी पर निर्भर रहने वाला ही परिवार था हमारा। हालांकि पंडितों का परिवार है, लेकिन खेती बाड़ी पर ही निर्भर रहते थे। तो ऐसे में अर्थ की आवश्यकता थी और उसी के चाह में पिताजी का आगमन यहाँ हुआ, सिलीगुड़ी आए। और उसके बाद से फिर हमारा जन्म यही हुआ है। उस समय पिताजी, माँ, हम लोग, धीरे धीरे हम लोगों का अवतरण हुआ जी और मैं, मेरी दो बहनें थीं। और बाद में हम सबका विवाह हुआ है। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी एक बेटी है, हम लोग यहाँ रहते हैं। बहनें भी सिलीगुड़ी में ही सेटल्ड हैं, शादीशुदा हैं और खुश हैं, ऐसा लगता है। तो आपने बताया कि आपके पिता ने आ, आ, 1954 में शायद उन्हें स्वर्ण पदक भी मिला था उस उससे जमाने पहले ही में। मिला था, वो सिलीगुड़ी पहुंचे यहाँ, मेरे ख्याल से जी जी 52 में मिला होगा, 52 या 53 में मिला होगा। अच्छा, मैं किताबों के उन्हें आधार पर शास्त्री कह रही हूँ। शास्त्री की उपाधि मिली उस समय उन्हें, जी जी और जी इसीलिए वो वैद्यनाथ शास्त्री लिखा करते थे और हम लोग शर्मा लिखते हैं। ये जी उपाधि उनको मिली थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। जी तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जब यहाँ आए, तो मैंने सुना कि उन्होंने हिंदी महाविद्यालय और विभिन्न हिंदी विद्यालयों की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।
तो आप उस वो समय हाँ जी, तो मैंने देखा कि अत्रि सर कि वो बहुत ही कुशल योग और व्याकरण और संस्कृत के विद्वान थे, और उनकी विद्वता की चर्चाएं दूर दूर तक थी, और बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे स्टूडेंट रहे उनके, हमारे जो आज बुजुर्ग हमारे साहित्यकार हैं यहाँ के, देवेंद्रनाथ शुक्ल, वो उनके विद्यार्थी रहे। तो आपके परिवार में कुछ ऐसा भी घटित हुआ जो जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपके पूरे कैरियर पर, आपकी पूरी लाइफ पर। ऐसा है कि पिताजी जब यहाँ आए 1954 जी में, तो उस समय यहाँ हिंदी की पढ़ाई की उतनी सुविधा नहीं थी, बहुत ही जी दयनीय स्थिति थी। एकाध विद्यालय होंगे, और जाहिर है कि हिंदी का बैकग्राउंड रहने के कारण उन्हीं संस्थाओं से वो जुड़े। जी लेकिन यहाँ की जो टिपिकल मानसिकता रही होगी स्कूल संचालन की, ये उन जी लोगों को समझ में नहीं आया। और इसी प्रकरण में आगे अलग अलग स्कूल खुलते गए। एक जी हिंदी शिक्षा पर अपना एकदम नियंत्रण रखने वाले जो लोग थे, जो चाहते थे कि जी सब कुछ उनके नियंत्रण में रहे, ये शायद जी उन लोगों को मंजूर नहीं रहा। इसीलिए हिंदी शिक्षा को सुलभ करने के उद्देश्य से आगे विद्यालयों की स्थापना होती गई, और उसमें और लोगों के साथ पिताजी भी जुड़े रहे। और बाद जी में उच्च शिक्षा की तो और अवस्था खराब थी, यहाँ हिंदी की पढ़ाई ही जी नहीं होती थी। तो उस समय बिना पारिश्रमिक के सिलीगुड़ी जी महाविद्यालय, सिलीगुड़ी कॉलेज में उन्होंने हिंदी जी पढ़ाना शुरू किया, और प्रकारांतर में धीरे धीरे ये पोस्ट जो है रिकॉग्नाइज किया यूनिवर्सिटी ने, और फिर और जी लोग आते गए। तो शुरुआत के जो दौर थे हिंदी शिक्षा के, उस समय बिना पारिश्रमिक के ये लोग हिंदी के को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उस समय काम करते रहे हैं। एक 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 पूरी टीम थी, और पिताजी भी उसके हिस्सेदार थे, अंश थे। जी हिस्सेदारों में प्रमुख ही कहेंगे हम, दो लोग थे तो बहुत ही उनका योगदान रहा। मैं उनका बेटा होने के नाते उनको मैं प्रमुख नहीं कहना चाहता, लेकिन उससे लाभान्वित जो लोग हैं वो ऐसा जी कहेंगे जी तो मुझे खुशी होगी। जी जी क्योंकि मैं भी एक हिंदी विद्यालय में ही पढ़ाती हूँ, तो उस समय उस शायद विद्यालय की स्थापना के साथ भी जुड़े रहे होंगे, ऐसी संभावना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हाई जी स्कूल, जी हाँ, जी गर्ल्स हाई जी स्कूल। जी 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 मैंने बचपन में, जैसे जी शीला गुप्ता हुआ करती थी प्रधानाध्यापिका उस समय, शायद उसके पहले का मुझे अंदाजा नहीं है। उसके पहले सर, मैं तो यहाँ पे 2014 में आई हूँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, पिताजी आपके किसी बीमारी से भी ग्रसित हुए थे, और आप उन्हें रिक्शे पर चढ़ाकर हॉस्पिटल ले जाया करते थे, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वाली चीजें थी। तो उन घटनाओं के बारे में भी थोड़ा सा आप आंशिक रूप से अगर प्रकाश डालेंगे तो मुझे खुशी होगी। 1985 में उनको लकवा मार गया पिताजी को, और वही साल, उसी साल मैंने माध्यमिक परीक्षा पास की थी, और आगे की पढ़ाई की के बारे में सोचना था। और माध्यमिक तक तो जिस स्कूल में पिताजी पढ़ाते थे, शिवमंगल मेमोरियल हिंदी हाई स्कूल, में वहीं का छात्र रहा। जी तो जी 10वीं तक तो मुझे घर का स्कूल लगता था, पिताजी घर में उपलब्ध थे, और बाकी जो जी भी शिक्षक थे सबसे एक पारिवारिक संपर्क था। तो हमें जी स्कूल का अनुभव एक घरेलू वातावरण में मिला है, और 10वीं के बाद जब हमें उच्च शिक्षा की संभावना दिखी, जरूर जब हमें आगे पढ़ने की बात आई, उसी समय जी पिताजी को लकवा मार गया। और जो भी परिस्थिति रही हो, आर्थिक दृष्टि से बहुत सुदृढ़ हम लोग नहीं थे, और इस उम्र में लोगों की संख्या भी ज्यादा नहीं थी, और कैसे इस बीमारी से उलझा जाए, कैसे इससे लड़ा जाए, ये भी नहीं समझ में आ रहा। तो फिर अब जब ये बातें आई, तो फिर सारी प्राथमिकताएं पीछे चली गई। क्या पढ़ना ओके है, क्या नहीं है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब बातों से पिताजी का इलाज कैसे हो और वो कैसे ठीक हो, क्योंकि घर में एकमात्र उपार्जन करने वाले व्यक्ति वही थे। वही तो जी माँ थी वो गृहिणी थी, और मेरी जी बहनें जी दोनों मुझसे छोटी थी। तो उस जी समय ये जी सारी लड़ाई, सारा महाभारत उनकी चिकित्सा कैसे किया जाए, उस लिमिटेड जो रिसोर्सेज थी उसमें उनसे जी को करने में ही सारा ध्यान लगा रहा। तो सारी प्राथमिकताएं छूट गई रास्ते उस समय। जी तो अत्रि सर कहते हैं कि फिर आपने अपनी पढ़ाई बड़ी मुश्किल से जारी रखी होगी, तो कहते हैं कि एक व्यक्तित्व को बनाने में
परिस्थितियों का भी हाथ रहता है। और आज आप एक वकील हैं प्रतिष्ठित, तो आपके व्यक्तित्व को निखारने में परिस्थितियों का कितना हाथ रहा? क्योंकि ये हमारे दर्शक भी जानेंगे कि किस तरह से आजकल की जो युवा पीढ़ी है संघर्षों के से घबरा जाती है और गलत कदम भी उठा लेती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप उस परिस्थिति से जूझकर कैसे निकले और कैसे जो है इस मकाम तक पहुंचे, एक छोटे रूप में अगर आप कहें, तो फिर इससे हमारे युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी और उनको भी जानकारी मिलेगी कि हाँ संघर्षों से कैसे लड़ना चाहिए। 1985 में माध्यमिक परीक्षा पास करने के बाद जो पढ़ाई का प्राइम टाइम होता है किसी व्यक्ति जी का आने वाले समय में हायर सेकेंडरी और उसके बाद ग्रेजुएशन, ठीक है और ये 5 साल उसी दौर से गुजरे। तो माध्यमिक परीक्षा के बाद पढ़ाई तो बंद नहीं हुई, हमने हायर जी सेकेंडरी भी पास की और ग्रेजुएशन भी किया सिलीगुड़ी कॉलेज से। जी जी लेकिन 1992 दिसंबर महीने में पिताजी का देहांत हुआ, अच्छा तो ये जी 7 साल वो शज्जाशायी रहे, बिस्तर पे रहे, तो लकवा पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, और ये 7 साल काफी ही उनके लिए भी कष्ट के रहे और हमारे लिए संघर्ष के रहे। तो उस जी समय तक अपने कैरियर के लिए कुछ करने की नौबत ही नहीं रही। अब एक समय के साथ जब कहीं हायर सेकेंडरी में भर्ती हुए तो परीक्षा हुई तो उसमें पास भी कर गए, बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं था, और उसके बाद जी ग्रेजुएशन में उसी कॉलेज में पढ़ाई होती रही तो जी पास कर गए, बस वही रहा। लेकिन उस समय प्राथमिकता अपने कैरियर की सोचने की रही ही नहीं। तो अब जी संघर्ष जो है पिताजी के देहांत के बाद का जो समय है, जी एक जी मानसिक रूप से जो खालीपन जो छोड़ के गए थे, उसके बाद आर्थिक दृष्टि से भी हालात बहुत खराब थे, तो उसके बाद का जो कार्यक्रम है वो संघर्षपूर्ण रहा। क्योंकि जिस तरह की पढ़ाई हम लोगों ने हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन में की, उस पढ़ाई के बाद बहुत ज्यादा कुछ करने की स्थिति थी नहीं, तो नहीं जी अपने पैरों पर कहीं ना कहीं खड़ा होने की जरूरत थी। और अगर आप कहीं नौकरी नहीं करते हैं तो पैसे की स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि जिसके आधार पर कोई व्यवसाय या कोई काम किया जाए, अनुभव भी नहीं था, जी इसीलिए हर द्वार खटखटाया गया है और इसको ही आप संघर्ष का नाम दे रही हैं। कोशिशें शुरू हुई 92 के बाद जी और जी फिर आज इतने साल गुजर गए, कहीं ना कहीं हर मामले में संघर्ष की दृष्टि से भी प्रेरणा रहे हैं वो, जी जी और उसको अब हम लोग बांध के नहीं बैठे हुए हैं कि 85 में क्या हुआ और 92 में क्या हुआ। हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, और मान लीजिए मुझे कुछ हो जाता तो पिताजी वैसे ही करते हुए पाए जाते। तो अपने जी पिताजी के लिए जो काम हमने या मेरी बहनों या परिवार के जिन लोगों ने भी किया हो, ये कोई जी एहसान जी तो था नहीं, करना था ही, जी और इसीलिए हमने सारी प्राथमिकताएं छोड़ के हमारा भविष्य में क्या होगा इस पर ध्यान नहीं देते हुए हम लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज तय की और उसके हिसाब से हम आगे करते गए। तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है, जो काम बाकी कर रहे सबका हैं जी आशीर्वाद है कि आज फल जी फूल रहे हैं कहीं ना कहीं से। जी 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 लेकिन उस पीरियड उस दौर को अभी तक कभी भी हम लोगों ने इस तरीके से नहीं सोचा कि एक ऐसा समय आ गया जिससे हम डिप्राइव हो गए या हम लोग कुछ कर नहीं पाए, पढ़ाई में दिक्कत हो गई। इस लिहाज से हमारे परिवार में उस समय को नहीं देखा जाता, वो एक एक सकारात्मक सोच लेकर जिम्मेदारीपूर्ण समय। आगे एक सकारात्मक सोच लेके आगे बढ़े और धीरे नहीं, वो धीरे एक करना मकाम था, तक वहां पहुंचे। वहां कोई चॉइस नहीं थी, वहां हमारे पास जी हमारे खुद के मन में भी ऐसी कोई बात नहीं थी, नहीं परिवार में किसी का था कि हम कुछ और जी सोच रहे हो और मजबूरी में गले पड़ गई और कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। पारिवारिक रूप से निर्णय था, हमें करना भी वही था, बाकी बातें जब समय आता तब हम उससे निपटते, जो सामने दिखा हमने उसका सामना किया, परिवार ने सामना किया। तो आपसे एक और सवाल है कि आप सिलीगुड़ी के एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं और मैं ये जानती हूँ कि वकीलों को सफलता प्राप्त करने के लिए योग्यता और अनुभव के अलावा अतिरिक्त कौशल की आवश्यकता होती है। कुशाग्र बुद्धि तो है ही और दूसरी है कि ये जो बोलने की कला, इसके अलावा और कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए ये हमारे युवाओं को बताएं ताकि ये युवा भी समझ सके कि अगर वो इस पेशे से जुड़ते हैं या वकील की लाइन में जाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे निपुणता लानी चाहिए, किस तरह की योग्यताएं या विशेषताएं होनी। नहीं, देखिए जहां तक बंदे बधाए कानून की बात है, बरसरी जी आवत जात है जड़मति होत सुजान, तो जड़मति भी कोई होगा और एक ही काम करता रह जाएगा तो 10 साल 5 साल जब करते रहेंगे तो आप उसके एक्सपर्ट जैसे ही नजर आएंगे। समस्या ये है कि जब आप इस पेशे को समय नहीं देते और शुरू से ही आप
हर चीज की में पारंगत होना चाहते हैं, दिक्कत वहां है। कानून की जी वही पढ़ाई सारे पढ़ के आते हैं, हो सकता है जी सबको याद भी हो, लेकिन जी एकदम उपस्थित बुद्धि का प्रयोग है। जी हर चीज, इतनी मोटी मोटी किताबें सब याद नहीं रह सकती। जिन मुकदमों को आप रेगुलर करते रहते हैं वो धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, और अनुभवी जो जी वकील हैं जिनका अनुभव ज्यादा है, वो किताब हर बात पर उनको खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन नए लोगों जी के साथ ऐसा नहीं है, आप इतनी किताबें जी रट भी नहीं सकते। तो अनुभव के आधार पर जो लोग अपना धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए 50 साल तक भी कोई अगर लॉ के लॉ प्रैक्टिशनर है उसको प्रैक्टिस ही बोलते हैं, किसी का प्रैक्टिस पूरा नहीं होता। हर समय जी अलग अलग कोर्ट हैं जिनके जिनका ऑर्डर आते रहता है, जिनकी तो वो सब देख के अपने आप को अपडेट करते हुए हम लोग चलते रहते हैं। इसीलिए उपस्थित बुद्धि, कॉमन सेंस जिसमें ज्यादा होगा वो इस पेशे में ज्यादा सक्सेसफुल होगा, इसकी संभावना रहेगी। हालांकि कानून की जानकारी हर व्यक्ति को चाहिए, कम बेसी कुछ लोग लेके ही आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि कानून की परीक्षा में अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आए हो, आप 80-90% लाए हो, तो प्रैक्टिस में भी आप सक्सेसफुल हो, ऐसा जी जरूरी नहीं है। हमने बहुत से ऐसे लड़के देखे जो एकदम मेडियोकर रहे हैं, उनकी जी प्रैक्टिस अच्छी है। प्रैक्टिस का जी हो अच्छा करना और कानून की जानकारी, दोनों अलग अलग बातें हैं। जी 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 आज की परिस्थिति में कानून का लाभ किसी को देना हो तो सिर्फ कोर्ट से ही नहीं होगा। आपको हिंदी में जिसको जुगाड़ कहते हैं, जिसका जितना बढ़िया जी होगा वो अपने क्लाइंट को उतनी अच्छी रिलीफ दे पाएगा, और उसके हिसाब से भी होता है। तो कानून की जी जानकारी चाहिए, उपस्थित बुद्धि का प्रयोग करके अपने क्लाइंट के बारे में सही बात जो भी जज मजिस्ट्रेट हैं न्यायाधीश हैं उनको बताया जाता है, उनको समझाया पाना, उसके लिए इसकी भी आवश्यकता है। और जब ऑर्डर जी हो जाए तो उसका सही एग्जीक्यूशन हो, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए वकील साहब को। तो आप जितना रिलीफ दे पाएंगे क्लाइंट को, उतने चर्चित और अच्छे वकील आप माने जाएंगे। आपको कानून की अच्छी जानकारी है और आप अपने क्लाइंट को रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं, तो उस जानकारी की अहमियत उतनी नहीं रहेगी समाज में, जितना एक कम कानून जानने वाला आदमी अपने क्लाइंट को उसकी मनचाही रिलीफ देता हो। ये सारा अच्छा बुरा जो है वो कानून की जानकारी के हिसाब से नहीं है। आप जितना ज्यादा रिलीफ दे पाते हैं, आप उतने बड़े वकील कहे जाते हैं, ये उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी को नहीं पता कि कौन व्यक्ति कितना ज्यादा। तो कहने का तात्पर्य है कि कानूनी विकास और ऐतिहासिक निर्णयों, अदालत मामलों के ज्ञान के अलावा जो है अधिवक्ता को सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य का भी जो है ज्ञान होना चाहिए, करंट में जो चल होना रही है, जो चाहिए। घटनाएं घट रही हैं। आप बहुत अच्छा अगर भोजन बनाती हैं तो भोजन जिनके उद्देश्य से बना है उनको परोस के खिलाने वाली क्षमता भी होनी चाहिए। बहुत जी बढ़िया खाना बना हो लेकिन उस हांडी से बाहर नहीं निकले और सारे लोग भूखे रहे, तो उस अच्छे जी खाने की जैसे अहमियत नहीं होगी। आप चाहे जितने अच्छे भी कानून के जानकार हो, अगर उसका जी सदुपयोग या दुरुपयोग, दोनों ही होता है हमारे पेशे में, आपके जी क्लाइंट की इच्छा के अनुसार अगर अनुरूप नहीं हो पाता है, तो आपकी अहमियत जी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो सर, कौन कौन से मुद्दे जो है आप देखते हैं कानून संबंधी है, उसकी भी जानकारी हमारे दर्शकों को दे और मुझे भी। नहीं, इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। मोस्टली लोग जी क्रिमिनल्स, क्रिमिनल मुकदमे हैं जो, या सिविल केसेस लोग करते हैं, लेकिन इसमें और सारी विधाएं हैं। जी और जी आप क्या करेंगे ये तय करके बैठने से नहीं होगा। जिस तरह के लोग नहीं आपके पास आएंगे कि अपनी सुविधा लेके, आपको वही मुकदमे करने पड़ते हैं। जी और एक वकील हर विषय के लिए पारंगत है, आदत होनी चाहिए। जी जी हाँ तो तलाक के बहुत सारे केसेस भी आपके सामने आते होंगे शायद। हाँ आते हैं। आजकल खटपट कुछ ज्यादा हो रखी है, पहले हम लोगों से पहले शायद उतना नहीं होता हो, लेकिन आजकल इन मुकदमों की संख्या बढ़ी है पहले की जी, तुलना। तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, मेन मुद्दा यही है कि आपके पास ये जो महिला या पुरुष तलाक के मुकदमे देके आते हैं आपके पास, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं और कौन ज्यादा दोषी होता है? मतलब बहुत सारे मुद्दे जब आपके सामने आते हैं तो आपको तो पता होता होगा कि स्त्री ज्यादा दोषी है, पुरुष ज्यादा दोषी है, तो ये बहुत सारे केस आपने लड़े होंगे, तो आंकड़े के हिसाब से अगर आप बता सकें कि इसमें दोषी कौन होता है, और जब आपके पास कोई पहली बार केस लेके आता है तो आप उसे क्या सलाह देते हैं? नहीं, ये जो मैट्रिमोनियल इश्यूज हैं
जी इस जी विषय को हम लोग, मैं व्यक्तिगत रूप से शुरू शुरू में शुरुआती दौर में मुकदमे के जैसा ही देखा करता था, जी लेकिन जी थोड़े दिन में समझ में आ गई कि समस्या कहाँ है। तो जी उसके बाद मैंने इसको एक अलग एस्पेक्ट में देखना शुरू किया। तो हम लोग इसको एक केस के रूप में नहीं देखते हैं, हालांकि जहां केस की आवश्यकता होती है किया भी जाता है, और कोई केस लेके आता है कि ऑलरेडी किसी ने फाइल कर दिया है तो हम लोग उसको उसके तरीके से हैंडल करते हैं, लेकिन कोई जब नई बात आती है तो हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं और सलाह देते हैं कि वो जो भी आ रही हैं या आ रहे हैं वो समस्या को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये समस्या है कहाँ। क्योंकि जी किसी भी आपसी रिश्ते में एक रिश्ता रहता है, हो सकता है उसमें परिवार हो, बच्चे जुड़े हुए हो, आप एक मुकदमा कर देंगी तो जी जी एक वकील का तो प्राइमरी यही है कि मुकदमा करे, तभी तो कोई उसको फीस देगा। लेकिन जी जी मुकदमा करने से क्या है कि झगड़े को हम बढ़ा देते हैं, जी जो झगड़ा आपसी बातचीत में सुलझ भी सकता है उसको एक मुकदमा कर देने से एक पक्की लकीर सी हो जाती है। तो जो आप रिजल्ट देना चाहते हैं अपने क्लाइंट को, वो पता चलता है कि आपने कालिदास बन के खुद ही उसको काटा हुआ है, खुद ही, इसमें जी गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए समस्या को जड़ से समझने की कोशिश की जाती है। हालांकि कोई किसी भी समस्या का एक पक्ष सुन के आप निर्णय नहीं ले सकते। कई बार हम लोगों से गलतियां एक पक्ष के सुनने से हो जाती हैं, लेकिन अधिकतर तो ये हमारे पास आए मुकदमे के हिसाब से जी लड़कियां ज्यादा इस मामले में विक्टिम है, डिप्राइव हुई है। ये मेरे पास जो मुकदमे आए हैं उसके आधार पे, मैं कोई राष्ट्रीय आंकड़ा नहीं दे रहा, जी 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 लेकिन जी हाँ, ये किसी भी वैवाहिक संबंध में कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो हो सकता है कि उसमें लड़की का भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन ये जी एक वर्सेस पूरा परिवार हो जाता है। जी जी लड़की कहीं आए दूसरे परिवार से आई हुई होती है, हो सकता है उससे कोई निग्लिजेंस हो, कुछ भी हो, लेकिन अचानक उसके साथ उसका पति और उसका पूरा परिवार इकट्ठा हो जी जाते हैं। तो जिन मसलों में लड़कियों से गलतियां हुई रहती है वहां तो वो इकट्ठे रहते भी हैं, लेकिन जी जिन जी मुकदमों में, हाँ, जिन मसलों में लड़के ही गलती कर रहे होते हैं वहां भी उनका परिवार शुरुआती दौर में थोड़ा दिखावा करते रहने पर भी अंत में जी जी लड़कों के साथ ही रहता है। लड़की को ही कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह दी जाती है, और लड़की अगर स्वावलंबी नहीं हो तो उनको उसको इस बात को झेलना ही पड़ेगा, उसके पास कोई उपाय नहीं रहता। जी जी फिर एक दम घुटने जैसी स्थिति में जब तक बाहर निकल के आती है, तब तक उसकी जिंदगी का जो प्राइम टाइम है वो लगभग सब केसों में तब तक बीत जाता है। बीत जाता है। जी जी हाँ, जी फिर वो जुनून जो लड़ने की है ना, वो एक लड़ाई का जी ही रूप लेती है। उसमें उसके जो फायदे वाली बात है, उसका जो समय है, उसकी सुख शांति की बात है, वो थोड़ा सा उस समय निकल जाता है। तो जो भी मतलब इस तरह के केस हैं, स्त्री और पुरुषों दोनों को ही जो है केस करने के पहले बहुत कुछ सोचना होगा ताकि परिवार की स्थितियां, लेकिन समस्या कहाँ ढूंढने की सोच। कोशिश हम लोग करते हैं। जी, लेकिन देखिए, ये गुस्से जो में अभी कोशिश। आपको, हाँ बोलिए, जी, मतलब गुस्से में कोशिशें कहाँ कामयाब होती हैं और परिवार बिखराव की स्थितियां आ जाती हैं। देखिए एक बेसिक बात है, इस बात को जी हमारे समाज को समझना पड़ेगा कि जो भी जी हम दिखावा करते हैं ना, औरतों को सम्मान देने का या हम जी बराबर की का दर्जा देने की बात करते हैं, ये अभी नहीं, पहले भी और अभी भी एक तरह का छलावा जी सा ही दिखता है। ये है कि आप जितनी जल्दी मान लेंगे उतनी जल्दी धरापतल पर पैर रखे आप इन समस्याओं का निपटारा कर सकती हैं। हालांकि कई लोग इन बातों का विरोध करेंगे, मैं किसी को तकलीफ देने के लिहाज से ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जी जो भी रूल्स बने हैं, जो कानून बने हैं, बायोलॉजिकली हम लोग अलग तरह के इंसान हैं और समाज में बंधे रहने के कारण हम लोग अलग तरह की बात जरूर किया करते हैं, लेकिन ये जो समस्या आपको अचानक से, मैंने कहा ना कि आपको अभी अधिक दिख रही है, ये पहले भी जी थी। पहले भी एक रहने के लिए घर, 2 वक्त की रोटी, भोजन चाहिए, कपड़े लत्ते के लिहाज से घर में औरत पिटते हुए भी कॉम्प्रोमाइज करके रहती थी, और धीरे धीरे उसको इस शोषण का आदत, उनको आदत पड़ आदत जाएगी, बनी। आदत पड़ जाएगी। तो धीरे धीरे किसी भी पुरुष को, वो चाहे जितना भी जिस तरीके से भी इस बात को व्यक्त करे, अपने ऊपर उंगली उठाने वाली औरत पसंद होने की संभावना मुझे कम दिखती जी है, ये चाहे जिस तरीके से हो। और आज के युग में जब बराबरी के दर्जा देने के नाम पर जब बच्चियां साथ में पढ़ रही हैं, पढ़ाई लिखाई एक जैसी हो रही है, आजकल जी कई तरह के माध्यम हो गए हैं कि आप अपने परिवार के साथ जिससे चाहे जुड़ी रह सकती हैं,
और जी एक साथ रहते हैं सब कोई, तो ऐसे में जी ये बच्चियां उन बातों को टॉलरेट करती नहीं है जो पहले हमारे पहले की पीढ़ी में हमारी माँ या उस समय के लोग कर लिया करते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि सारी औरतों के साथ अत्याचारी होता हो, लेकिन जिनके साथ जी होता है उनके पास भी बोलने का कोई ऑप्शन नहीं था, ना उनके मायके में कोई उनको वापस लेता, और नहीं उनको वही वो डोली में भेज रहा हूँ और अर्थी में आना वाला कॉन्सेप्ट ही जी था। अब ये नहीं जी है, थोड़ा बदलाव आया है और बच्चों का लालन पालन एक अलग तरीके से हो रहा है, एक अलग जी तरीके से हो रहा है बच्चों का लालन पालन, तो कनेक्टेड ज्यादा है। परिवार को ये दिखता है कि मेरी बेटी के जी साथ मैं जितना बात कर रहा हूँ, जितना गाइड कर रहा हूँ, उतना ही मैं उसका केयर कर रहा हूँ, ये धारणा भी रहती है। तो बच्चों को भी जी हम अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका नहीं देते, तो उसकी हर बात पर हमारी तरफ से जो निर्देश जाता है ये भी कभी कभी परिस्थितियों को खराब करके समस्या को बढ़ा देता है। तो इसके कई सारे पूरक कारण हैं जो इन समस्याओं को जी बढ़ावा देते हैं, लेकिन फिर जी भी जो भी परिस्थिति रही हो, एक संगठित रूप से लड़के का परिवार जिस तरीके से इसको करता है, लड़की इस लड़ाई में काफी हद तक अकेली पड़ जाती है, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के। और ऐसे में एक जहां जिस परिवार में थी वो जो पहाड़ टूटा अपने आप पर तो टूटा ही, उसके बाद जी जो इस परिस्थिति के आने पर जब परिवार का सपोर्ट नहीं है, तो ऐसे में कुछ ऐसे शुभचिंतक भी आते हैं जहां वह दोबारा शोषित होती है। जी तो जी इन सब चलिए परिस्थितियों पर विचार करके हम लोगों ने हम अपने तरीके से इन चीजों को हैंडल करते हैं, इसको एज ए मुकदमा हम लोग नहीं देखते। जी सर, एक तरीका मुझे ये भी लगता है कि आजकल जो है लड़कियों की जो माँ है वो जो है ससुराल के मामले में दखल अंदाजी करती है, और जब इस तरह के बहुत सारे केस आते हैं कि जब माँ जो है हैंडल करने लगे बच्चे को और सारा निर्देश देने लगे कि ससुराल में ऐसा करना चाहिए, तो कुछ परिवार में बिखराव की स्थिति इस कारण से भी आती है, ये मैंने महसूस किया है। आपका क्या कहना है कि आजकल जो ठीक जी नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि कोई बात नहीं कर रहा, मैं यही कहा ना आपसे कि अभी बातचीत की इतनी सुविधा हो गई है कि आप हर मिनट आप कनेक्टेड रह जी सकती हैं, और जी जी जो बच्चा बच्चा जो या जो बच्चियां हैं उनमें अगर टॉलरेंस लेवल नहीं होगा कि जी हम अपने घर में घर की समस्या को खुद कैसे हैंडल करना है, ये बात उनको अगर नहीं सिखाई जाएगी तो हर बात के जी लिए वो चाहे माँ हो या दीदी हो या घर का कोई और हो, उन पर उनकी मोहताज रहेंगे। तो जी वहां बैठ के वहां की परिस्थिति को सही तरीके से हैंडल करना एक अपरिपक्व उम्र में शायद उनसे नहीं हो, लेकिन तुरंत अगर सहारा जी मोबाइल जी फोन के माध्यम से हुआ जैसे भी हो, तो माँ में या कहीं और दिखता है तो वो जी तुरंत ले लेती है उसका। अब इसमें अगर सही निर्देश नहीं मिले, सही गाइडेंस नहीं मिले, तो हो सकता है कि कहीं बिखराव भी आए। मैं नहीं जी कहता कि यही एकमात्र कारण है, लेकिन कभी कभी किसी अनेकों विशेष कारण परिस्थिति में इन इन जी बातों से जी भी दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, इसके लिए कोई आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि आप इसको रोक दें या कुछ कर दें, क्योंकि वो शुरू से ही उसी माहौल में पली पली बढ़ी है, तो जी वो टॉलरेंस लेवल उस उम्र में उनको समझ में नहीं आएगा। एक माहौल में धीरे धीरे बच्चियां ये समझ जाती, लेकिन अंत में जी पुरुष यही चाहता है कि हमारी बात मानने और सुनने वाली हो, लेकिन हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाए, तो फिर वो भी सबसे जी अच्छी पत्नी दुनिया की है। इस धारणा से अच्छा बाहर पुरुष निकल नहीं पाते हैं। शुरू जी शुरू में अपने स्वार्थ में कुछ पुरुष ऐसे बात करते हुए भले नजर आए, लेकिन अंदर वही बात घूम रही होती है जो समय के साथ उजागर होती है। जी कहते हैं कि वकीलों के पास हर किसी का इलाज होता है, जहर बनाने वालों का और जहर फैलाने वालों का भी। तो हमारे समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं सर, जैसे नशाखोरी है, पाश्चात्य सभ्यता की नकल है, भ्रमित जो युवा पीढ़ी है, उसके साथ साथ आधुनिक जो तकनीकी है, मोबाइल इत्यादि का बच्चों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, इस सब सबको आप किस रूप में देखते हैं, और क्या हमारा समाज इन विसंगतियों से मुक्त हो सकता है या इसके चंगुल से मुक्त हो सकता है? अगर आपके पास कुछ सजेशन हो तो जरूर दें, ताकि देखिए, हमारे इसमें ये सारा समाज के बिगड़ने का ठीकरा वकीलों के सर फोड़ने से तो नहीं होगा। हमारी अपनी एक मजबूरी है, अगर आप एक बाहर से बैठ के देखेंगी तो हमारे पास ये चुनने का नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को डिफेंड करें नहीं करें, हम अपनी इच्छा से कोई मुकदमा नहीं लें, हमारी बात है। लेकिन हमारे कानून में कोई भी व्यक्ति
अनडिफेंडेड नहीं रहेगा कोर्ट के सामने। अगर आप मान लीजिए मैं निर्णय लूं कि मैं ये मुकदमा नहीं करता हूं, ये मेरी चॉइस है, लेकिन जी अगर कोई वकील नहीं मिलता है उस व्यक्ति को, तो जो न्यायाधीश है उनसे पूछेंगे और सरकार की तरफ जी से फिर उनको न्यायाधीश मुहैया कराया जाएगा जो निःशुल्क रहता है, सरकार उसके पैसे जी देती है। जी तो ये चॉइस नहीं है, उसको डिफेंड करना ही पड़ेगा। अब जी समस्या क्या है कि किसी शरीफ आदमी को बचा लेना एक थैंकलेस का काम है। एक आदमी जो सचमुच में ईमानदार है और उसको जी जी आपने ईमानदार साबित कर दिया, तो लोग इसको आपकी काबिलियत नहीं मानते। जी आप जितने बदमाश आदमी को, जितने गंदे आदमी को, जितने झूठे मक्कार आदमी को झूठ बोल के बचा ले आते हैं, आप उतने बड़े वकील कहे जाएंगे। जी जी मैं अगर कसाब को छुड़ा लेता तो लोग मेरा लोहा मान लेते। मैं एक ईमानदार आदमी जी को ईमानदार साबित करूं तो हमारी कोई काबिलियत नहीं है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है हमारी हमारे प्रोफेशन में। समझ अगर आप इस जी तरह से कहेंगे तो देखिएगा, हमारे बिना गुजारा तो है नहीं, लेकिन हम समाज में नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करने लगे हैं, क्योंकि हमें फायदा पहुंचाने वाला जो वर्ग है उसको खुद जी धन धान्य से संपूर्ण होना पड़ेगा, तभी तो आपको पैसे देगा। एक जी बदमाश आदमी जब परिकल्पना करके अपराध करता है तो वो पूरी तैयारी के साथ आता है और इस मानसिकता के साथ आता है कि हमारे वकील साहब हमें बचा लेंगे, तो चाहे जो पैसा लें हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन एक जी सचमुच में कोई ईमानदार आदमी आ जाए, या मान लीजिए जैसे आपने मैट्रिमोनियल बातें करी, उस समय कोई जी जी बच्ची आ गई जिसको परिवार का समर्थन नहीं है, ससुराल से बाहर निकाल दी गई है, रहने का जी ठिकाना नहीं है, वकील को पैसे कहाँ से देंगे? तो जी शुरुआत में हम लोग जैसे कर भी रहे थे, लेकिन बाद में इन परिस्थितियों पर देखा कि हमारे हमको पैसा देने के उद्देश्य से जब वो कहीं इधर उधर भटकती है तो वहां भी किसी न किसी शुभचिंतक के द्वारा उसका शोषण होता है। जी पैसा कोई भी किसी भी स्त्री को देगा, चाहे वो जिस रूप में दे, ये बात शायद जी मेरी सबको ठीक नहीं लगे और मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ, लेकिन उस जी जी पुरुष की अपेक्षा जरूर रहती है कि वो स्त्री जी मेरी बात सुनेगी, चाहे वो भाई हो, पिता हो, पति हो, दोस्त हो। वो जी चाहेगा कि हमारे इशारों पर हमारे तरीके से चले। वो भले लिहाज जी में थोड़े कुछ बातों को नहीं बोल पाता होगा, लेकिन धीरे धीरे संपर्क टूटने की कगार पे आती है कि हम आपको दें और आप अपने मन का करती रहें। ये बात पुरुष बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करता है। अब जी इसमें जी जी एक आवरण है, ये आवरण कितनी जल्दी टूटेगा हमें नहीं पता। तो इसीलिए हम लोगों ने, हमारे पास जो बच्चे आती हैं जिनको इस तरह की समस्या होती है, हमने जी उनसे जी हम पैसा नहीं लेने का निर्णय हम लोगों ने लिया था। और आज इतने साल हो गए हम लोग इस तरह के मुकदमे में, चाहे कोई संपन्न बच्ची आ जाए या जिसकी कोई जी असुविधा हो, हम इन प्रिंसिपल हम ये सेवा निःशुल्क देते हैं। अच्छा तो हाँ, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन समाज में, मान लीजिए कोई स्मगलर है, कोई खून करके आया है, हमें तो पता ही जी रहता है कि जी इसने सच में मारा है कि नहीं मारा है। अब क्या है कि एक बड़ा मुकदमा है, आप वकील हैं उसके, आपका काम उसको बचाना है, हम झूठ ही तो बोलते हैं, इससे जी जी कैसे नकारें, हम इस बात को कैसे नकारें कि हमने कैसे बचा लिया। लेकिन हमारे जी यहाँ वही बड़ा वकील माना जाएगा जो इस तरह के मुकदमे में बड़ा, तो इनडायरेक्टली हम जो बड़ा झूठ बोल के, जितनी सफाई से झूठ बोल के अपने अपराधी क्लाइंट को बचाता है, वही बड़ा वकील। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन के साथ हम जीते हैं। जी। सर, कुछ ऐसे मामले युवा वर्ग के भी आते होंगे आपके सामने, कुछ अलग टाइप के, कुछ ऐसे मुद्दे जो आए वो बताएं कि आपने कैसे उसको सुलझाया, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी वास्तव में भ्रमित है और भ्रम में जी रही है। छोटे छोटे बच्चे भी अपराध करते हैं, और युवा तो करते ही हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी अपराध करते हैं। तो ऐसे कुछ आपराधिक मामले जो है अगर आपके सामने आए हों तो आप उसको कैसे देखिए, सुलझाते हैं? युवा अपराध में तो देखिए, अगर पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं हो तो ये जो नशा से संबंधित अपराध है, इस तरह की बात, जुआ खेलना, नशा, इस तरह की, पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो, बैकग्राउंड बढ़िया नहीं हो, तो बच्चे तुरंत दूसरे पथ पे चले जाते हैं, गुंडागर्दी, छीना झपटी, तो इसको तो कैरियर के रूप में नहीं दे सकती। लेकिन एकदम कम उम्र में जो अपराध हो रहे हैं उसमें इसी तरह की संख्या ज्यादा होती है। जी धीरे धीरे जिस चीज की आदि हो जाते हैं उसी का व्यवसाय शुरू कर देते हैं, जी तो है संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, नियंत्रण नहीं है किसी का, और इस तरह के काम में इजी मनी है, तुरंत पैसा मिल जाता है हाथ पे, और फिर उस जी पैसे को अपने तरीके से यूज करने की बात आ जाती है, तो फिर ये और बातें बिगड़ती जाती है। बहुत दिनों तक बच्चे इस लाइन में बच्चे नहीं रह जाते, जी और एक बार बात फिर पटरी से उतरी तो दोबारा पटरी पे लाने में
समय लगेगा, इतनी आसानी से नहीं होता है। हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, कोई ना कोई वकील करेगा। छूट जी जाते हैं तो फिर और आसान हो जाती है। ये जेल जाने का जो भ्रम है, लगता है कि पता नहीं कैसी काले पानी की सजा हो रही है, धीरे जी धीरे आदत पड़ जाती है, सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगता है। संस्कार का बंधन नहीं रहे तो आजकल की जी जो करेक्शनल होम्स हैं वो आपको अपराध से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रखे। और अधिकतर मैंने देखा कि या तो एक गरीब बच्चे इस तरह का अपराध करते हैं या बहुत पैसे वाले बच्चे जो है इस तरह के अपराध करते हैं और इन गतिविधियों में शामिल होते हैं। अधिकतर आज की समाज की जो स्थिति मैं देख रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे जो है शामिल हो जाते हैं कुछ अपराधों में। तो दो तरह के लोग हैं जो इस तरह के। नहीं ठीक है, ये शुरुआती दौर पर ये जो काबिलियत है इन बच्चों की, उनको जी अगर जो परिपक्व लोग हैं उनका संरक्षण जी मिलता है तो फिर वो अपराध वहां जुड़ जाते हैं उनके साथ। और जो लोग भी बड़े लोग हैं जिनको आप कह रही हैं कि संबंध है, पैसा है, वो संगठित अपराध करते हैं, और संगठित अपराध के लिए उनको काम करने वाले आदमी की जरूरत होती है, और उन जी उनकी कमी ये पूरी करते हैं जो छुटभैये लोग हैं, इन्हीं में से जो जी उनके हिसाब से तेज बच्चे हैं उनको अपने काम में वो ले आते हैं। और इसी में से कुछ बच्चे आगे जो ज्यादा पारंगत होंगे वो आगे उनकी जगह भी लेते होंगे। ये तो एक संगठित अपराध है, अलग जी अलग खेमे हैं और संगठित तरीके से किया जाता है। एक बार आदमी सर संपन्न हो जाए, हाँ जी संपन्न हो हाँ जाए बोले तो सर। मान लीजिए मैं किसी इलाके में, यहाँ भी जैसे देखती होंगी हम लोग जहाँ रहते हैं, जहां भी ट्रैफिक आता है वहां भीख मांगने के लिए बच्चे आ जाती हैं। एक ही बच्चा आपको अलग अलग दिखेगा, और वो भी पता चला कि रोज की दिहाड़ी पे वो बच्चे भीख मांगते हैं, कोई उसका टेंडर लेता है असंगठित तरीके से, फिर वो ये गलत काम करने के लिए जरूर जाहिर है कि कुछ प्रशासनिक लोगों को मिलाता होगा, फिर ये लोग जब फंसते होंगे तो कोई ना कोई वकील ही इनको बचाता होगा। तो ये एक चेन है, इसमें सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई दिखता है तो फिर लगता है, नहीं तो ये अंदर अंदर एक कंसील्ड वायरिंग रहती है। और ये संगठित अपराध है, इसमें छोटे बड़े पैसे वाले ये सब की बात नहीं है। आज कोई नहीं कमा रहा है तो हो सकता है आने वाले दिल्ली में वही ठेकेदार हो जाए, जी अपनी अपनी किस्मत है। सर, स्त्री स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को आप किस रूप में देखते हैं आज वर्तमान में, जो समाज में बदलाव आया, जो चेंज आया है, और स्त्रियां अपने कैरियर के प्रति, अपने वजूद के प्रति बहुत सचेत हुई हैं और स्वतंत्रता की देखिए मांग करती हैं, तो इस नहीं, बदलाव उसकी को। आवश्यकता भी है, नहीं एकदम उसकी आवश्यकता है। हम लोगों ने देखिएगा, हमने अपने देवताओं का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है उसमें जितनी पावरफुल मिनिस्ट्रीज हैं वो तो सारी हमने महिला देवियों को दे रखा है, देखिएगा। और पुरुष बेचारे थोड़े से डिप्राइव से दिखते हैं, ये एक छलावा सा है। जिस स्वतंत्रता की बात करती है वो सही मायने में तभी आएगा। स्वतंत्रता ये नहीं है कि बच्चे लड़के लड़कियां एक साथ स्कूल में पढ़ रहे हो, एक साथ घूमने जा रहे हो, एक साथ सिनेमा देख रहे हो, ये स्वतंत्रता नहीं है। आज की हमारी बच्चियां पढ़ लिख के आर्थिक मामले में जब तक स्वावलंबी नहीं हो जाती, उनका अगर वो किसी पर करेक्ट निर्भर है तो आप चाहे उनको जितनी भी स्वतंत्रता दे दें, उस स्वतंत्रता जी की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए जी बच्चियों के विवाह से पहले मेरा आग्रह तो हर माता पिता से यही रहेगा कि बच्चियों को जी पढ़ाएं लिखाएं, उनको पहले अपने पैरों पर खड़ा कराएं, और उसके बाद फिर उनके विवाह की बातचीत करें। नहीं तो आने वाले दिनों में फिर किसी न किसी, क्योंकि वो अलग मानसिकता में बड़ी हो रही है, उनका माहौल अलग है, फिर जी अचानक से जी जाके जब कोई उस पर दबाव डालेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करती है। और इसीलिए तुरंत जितनी जल्दी शादी की रहती है उतनी ही जल्दी विवाह विच्छेद की बात आ जाती है, और कोई जी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। वो अगर घर में बात करती है तो माँ पिताजी भी कहते हैं बेटी नहीं तो तुम्हारे यहाँ नाजों में पली है, वापस आ जा। तो जो बर्दाश्त करने की बात थी वो बर्दाश्त वाली बात ही नहीं रहती, क्योंकि हमने बच्चों को उस माहौल में पढ़ाया लिखाया ही नहीं है। तो जी इसीलिए अगर हम सब ठान लें कि हमारी बच्ची जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो जाती, आर्थिक रूप से स्वच्छंद नहीं है, हमारे पैसे से नहीं, खुद नहीं कमा रही जी है, मैं नहीं कह रहा कि माँ पिताजी का पैसा हो, जी बच्ची अपनी कमाई से अपना लालन पालन अगर करके फिर किसी के यहाँ संबंध रहती है तो देखिए थोड़ा बहुत अपने तरीके से सोच पाएगी। नहीं तो आपको किसी न किसी की बात सुननी है, और वो जो भी दे रहे होंगे पैसा वो चाहेंगे कि आप उनके रूल्स में बंधे रहें, और फिर वो जी स्वतंत्रता नहीं दे। मैं नहीं कह रहा हूं कि इस तरह के रूल्स हर मामले में गलत ही हो, मर्दों ने चालाकी से ऐसे ऐसे काम जो दूसरों से करवाने पड़ते हैं औरतों के गले मांड दिया, और उनसे आप चाहे नौकरी करिए, चाहे आप कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाइए, घर में
चौका चूल्हा पोछा लगाना, बच्चों को देखना, कपड़े ठीक रखना, हमारे कपड़े निकाल देना, ये सारी जिम्मेदारी हम उन पे देख हमने उन पे डाल रखा है। आप घर में नौकर रख भी लेंगे, अगर जी आप जी काम के लिए रखते भी है किसी को, तो बावजूद भी अगर वो नहीं आती हैं तो ये काम आपकी जिम्मेदारी रहेगी, हमारी नहीं। तो हमने तो जी धीरे धीरे ये अपने घर में रखने के एवज में उनसे जितना काम कराना था करवा ही लेते हैं। जी अब उसको सम्मान के नाम पर कर लें, देवी बना के कर लें, कुमारी पूजन के नाम पे कर लें, लगे कि भाई कितने बड़े भक्त हैं हम, हमसे बड़ी आदमी जी औरतों का सम्मान करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन एक भी ऐसी स्थिति बताइए कि औरत का असम्मान हुआ हो और उसमें पुरुष का कोई योगदान नहीं हो। कहीं ना कहीं कहीं भी अगर उसका शोषण होता है तो देखिएगा, अगर कोई औरत सामने दिखती भी होगी तो कहीं ना कहीं वो जड़ में हम लोग मिल जाएंगे। हमें ये जी बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई औरत हमारे ऊपर आंख उठा के बात कैसे करेगी। अब हम प्यार से समझा दे तो, साजिश करके मनवा ले तो, कहीं ना कहीं ये स्थिति हमें दिखते रहती है। तो लेकिन इसलिए अभी और पुरुष क्या, विमर्श की बात भी चल रही है, जब स्त्रियां पढ़ लिख गई हैं और अपनी स्वतंत्रता की बात करती हैं, अपने अस्तित्व की वजूद की बात करती हैं, तो अब ये बात आने लगी है पुरुष वर्ग से कि नहीं, जब पुरुष सताए जाते हैं उसमें स्त्रियां भी शामिल होती हैं, तो इस मामले में आपका क्या कहना है? वास्तव में ये बातें उठ रही हैं अभी कि बहुत सारे पुरुष मैं एकदम ये नहीं कह रहा हूं कि पुरुष कभी किसी के द्वारा सताए नहीं जाते होंगे, लेकिन एक्सेप्शन हर चीज में होती है, होती होंगी, इसमें इसमें इसको नकार नहीं सकते आप। लेकिन हम जब बात आपसे कर रहे हैं तो हम एवरेज बातें कर रहे हैं कि आम स्थिति क्या है, उसमें यही स्थिति है। अब उसमें जैसे अब कोई 30 मार्खा निकल रहा हो और सबको पटकनी दे दे अकेले, तो उनकी किस्मत खराब है उन लड़कों की जो पिट रहे हैं, पूरा परिवार उनके साथ हो, उनके माँ पिताजी, उनके भाई बंधु यार जो सब हो, साथ होने के बावजूद भी एक औरत उनकी चालाकी को समझते हुए अगर उनको उन्हीं के खेल में मात दे रही है तो काबिलियत उस लड़की की होगी, लेकिन ये काबिलियत सारी बच्चियों का हो जरूरी तो नहीं है। तो एक्सेप्शनल केसेस हो सकती है, पुरुष विमर्श की बात आप करें, हो सकता है ऐसा हो सचमुच, वो इंडिविजुअल केसेस में होगा। एवरेज स्थिति जो आप हम बात कर रहे हैं वही है। नहीं, जैसे आपने चालाकी की बात कही, तो मैं यहाँ पर यही कह रही हूँ कि ये चालाकियां भी अब चल रही हैं कि जो है इस पुरुष जो है स्त्रियों द्वारा सताए जा रहे हैं, शायद ये चालाकी ही होगी मेरे ख्याल से। समस्या ये है कि हम इन परिस्थितियों को वैसी परिस्थिति में रहे बिना बाहर से बैठ के इस पर अंदाजा नहीं लगा सकते। कई जगह तो हम वकील जिम्मेदार होते हैं, औरों की बात छोड़ दीजिए। आपने अपनी कोई समस्या छोटी सी बताई, आप आई हमारे यहाँ, मैंने उसमें नमक मिर्च लगा के ऐसा मुकदमा आपसे करवा दिया कि जो संबंध ठीक होने थे वो और खराब हो गए। तो वही कह रहा हूँ ना कि हर आदमी कहीं ना कहीं, और दूसरे पक्ष से भी मतलब पैसा ले लिया, और इस पक्ष से भी पैसा ले लिया, और केस को उलझा ये उलझा दिया तो देखिए इस तरह ये अच्छी से कि बात है, इसको आप प्रोफेशन से मत जोड़िए, लेकिन हो सकता है नहीं कि कोई जोड़ रही ऐसा हूं, मतलब करता भी हो, कोई करता भी हो, इसकी संभावना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने स्वार्थ में आपके छोटे से झगड़े को इतना बढ़ा दिया कि आप हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म कनेक्ट हो गई, हमारा प्रोफेशनल गेन आप करा रही हैं, और अपने हमने वो जिद ले आए, और उन्होंने भी फिर वो किसी वकील के पास गए तो उसने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, रुको हम ऐसे पटकते हैं। अब दोनों तरफ से ये युद्ध जारी है, बदले में अंत में नुकसान उस पुरुष और स्त्री का होता है जो ये लड़ रहे थे, और हो सकता है दो चार 5 साल बाद तंग आके आपस में समझौते एक की बात बात करें या कुछ भी जी करें, सोचते होंगे कि हम लोग गलत जगह फंस गए थे। जी लेकिन जी ये एक एक इंसिडेंट है, ये एवरेज बात नहीं है। जी जी अगर औरत नहीं, की वर्तमान स्वतंत्रता में की मैंने बात करती देखा है, है, वर्तमान में मैंने आसपास देखी है जी, देखा है ये इस तरह के मुकदमे, और परेशान है स्त्रियां, इसलिए मैंने आपके सामने ये सवाल उठाया कि वो नहीं, केस जो आप बोले ना कि दूसरे वकील के साथ लेने सामने लेके गई, तो बोले कि ठीक है मैं ऐसे करता हूँ, आप उस पर मुकदमा, वकील पर मुकदमा कर दीजिए, फिर हम उस केस को आगे बढ़ाएंगे, इस तरह की स्थितियां आई हैं मतलब मेरे नजर में, इसलिए मैं आपसे ये बात पूछ रही। इन सब में ना बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अगर कोई समस्या हो जाए, कोई लड़की ये निर्णय लेना लेने में सबसे देर करती है कि मुझे किस स्थिति में अलग होना है, इस बात की जानकारी उसे नहीं होती, और एक बार जब किसी तरीके से जब उसको निकाल दिया जाता है तो वो इस लड़ाई को फिर लड़े कैसे, जिसके खुद के खाने पीने के पैसे नहीं हो, वो वकील कहाँ से रखेगी और रहेगी कहाँ, दुर्भाग्यवश अगर बच्चे साथ में हो तो बच्चों का पालन, उसकी पढ़ाई कैसे करेगी। फिर अगर, और समस्या है कि जब इसको इसमें कोई इसकी मेडिएशन की बात आती है, जब इसके लोग ठीक है चलिए आप लोग एक साथ नहीं रह सकते तो अलग कर दिया जाए,
तो फिर मूल भाव जी शुरू होता है। तो फिर अब बताइए उसकी जिंदगी के जो समय उसने वहां बिताया, उसके साथ जो बच्चे हैं, फिर आने वाले समय में वो कैसे रहेगी नहीं रहेगी, वहां रुपए का मोल भाव होता है। फिर आप पर जो आपत्ति आई है उसको पैसे में तोला जाता है और वहां बार्गेनिंग होती है। तो ये एक बेसिक है, जिसको देना है वो कम देना चाहता है, कोई ये नहीं निर्णय लेता। आप भगवान न करे आप अपनी बेटी के लिए जो इच्छा रखते हैं देने जी देते जी वक्त, आप अपनी बहू के लिए वो देना नहीं चाहते हैं। तो ये दुचारिता है जो हम लोग कर रहे हैं समाज में। चाहे इस तरह की जितनी भी पुरुष विमर्श की बात हो, चाहे जितनी औरतें ऐसी दिखें जो चालबाजी करते हुए पैसे उगा रही हो मर्दों के साथ, बावजूद इसके जी हमें जी अगर जी औरतों की स्वतंत्रता की बात करनी हो तो उनको पढ़ाइए लिखाइए पहले, उसके बाद जी उनको जी अपने पैरों पर खड़ा कराइए और फिर बाकी का निर्णय उनको आप लेने दीजिए। हमारे यहाँ तो जो मानसिकता है, हम अपनी बेटी को हवाई जहाज उड़ाने की सम्मति दे सकते हैं, लेकिन वो बेटी अपनी इच्छा से विवाह करे इतना भरोसा हमको नहीं है कि अपने लिए वो अच्छा साथी या पति चुन पाएगी। ये विश्वास हम उस पर नहीं करते। सारे समाज के या संस्कार या इसका सारा ठीकरा औरतों के गले बांध दिया। बचपन से ही जी हम लोगों ने उसको डरा दिया कि तुमको अपने शरीर को संभाल के रखना है। वो जब तक जी उसको समझदारी आती है वो आजीवन अपने शरीर जी को संभालने में ही लगी रहती है। फिर जी परिवार वंश चलाने का का सारा ठीकरा उनके ही माथे है। वो चलाएं जी अच्छे से रहें और बढ़े, और मर्द चाहे कुछ भी करता रहे, सांड जैसे घूमते रहे बाजार में, कोई किसी को फर्क नहीं जी पड़ता। तो बच्चे जी की पैदाइश वहां से होती है, इसीलिए उस चीज को लोगों ने बांध दिया और अपने कहीं भी घूमते रहे। तो ये सारे जो बंधन है उसके मूल में तो संतति हमारी ही हो, इसी के निर्धारण के लिए तो सारे रेस्ट्रिक्शन लाए गए हैं। जी तो वो अभी भी किसी ना किसी रूप में चला आ रहा है। इसीलिए आप रात में 1 बजे कोई लड़का घर वापस आता है तो उसमें कोई नहीं है, अगर 9:30 बजे कोई बेटी वापस आती हो अकेले तो उसके चरित्र पर उंगलियां उठाने से लोग नहीं हिचकते। तो ये यही बदलाव कारण नहीं है आया। कि बहुत सारी पढ़ी लिखी महिलाओं ने शादी जैसे बंधन को स्वीकार करना मना मतलब नहीं स्वीकार कर रही हैं। ये छोटा सा आंशिक बदलाव धीरे धीरे शुरू हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो समाज है या परिवार की जो इकाई है, परिवार नामक जो इकाई है, उसका क्या होगा इस मुद्दे पर, अगर आप थोड़ा सा दृष्टि ये डालें। इकाई अभी खतरे में नहीं है, लेकिन जी कोई भी पुरुष एक्सेप्शनल जी फिर भी यहाँ होंगे। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जी एवरेज बात कर जी रहा हूँ, जी अपने से ज्यादा क्वालिफाइड और जी सक्सेसफुल पत्नी बर्दाश्त करना एक पुरुष के लिए बहुत डिफिकल्ट है। ये जी बहुत जी टफ है, क्योंकि उनको तो युवराज शहंशाह बना के ही बचपन से पाला गया है। भले ही एक वक्त की रोटी खाते हों, उनको जी मर्द जी बोल के पाला गया है। मर्द को दर्द नहीं होता वाली अनुभूति तो बचपन से रहती है, भले ही फटेहाल घूम रहे जी हों। तो वो जी व्यक्ति भी अपनी पत्नी से दबा हुआ दिखे, इससे शर्म की बात उसको कुछ नहीं नजर आती। नहीं लगती भले जी उसकी कमाई से पैसा लेके दारू पी आएगा, जी उसमें उसको कोई परहेज नहीं है, लेकिन समाज में पति उस पत्नी उससे ज्यादा क्वालिफाइड है, अच्छा कमाती है और उससे अच्छी है। एक सक्सेसफुल वाइफ को बर्दाश्त करना पुरुष के लिए आज भी बहुत मुश्किल है, चाहे वो जिस पेशे में हो। मैंने एक से अच्छे अच्छे प्रशासनिक स्तर पर रहे लोगों को भी देखा है जो अपनी पत्नी से जलते हुए पाए जाते हैं, जिससे उनके संबंधों में खटास आई हुई है। तो जी इसलिए स्वतंत्रता की बात करना जितनी आसान है, स्वतंत्रता सही मायने में देना उससे डिफिकल्ट है। हमें कई तरीकों से, सारी बातों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 19-20 बात रहेगी, लेकिन आपको जी सही मायने में देना है तो बच्चियों को पढ़ाइए, उन्हें योग्य बनाइए, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए और जिंदगी के बाकी निर्णय उनको अपने स्वयं लेने कर दीजिए, स्वयं जी लेने जी दीजिए। हो सकता है कि उनके उस सिलेक्शन में भी गलतियां निकले, हो जी जी सकता है कि जिससे वो प्यार करती हो या जिसको चाहती हो कि वो उसी से वो बढ़िया लड़का है, बाद में वो खराब निकले, इसकी भी तो संभावना है। लेकिन जी दूसरे के दिमाग से, दूसरे की सलाह से टांग तोड़वाने से अच्छा है कि हमारे खुद के दिमाग से हमारी टांग टूटेगी तो अगली बार हम सावधान रहेंगे और अपने सक्षम रहेगी तो उस जंजाल से निकल आने में उसको उसको सोचना नहीं पड़ेगा। वरना आप जी उसको जहां धकेल रही हैं वो निकलने से पहले 100 बार सोचेगी, सक्षम रहेगी तो तुरंत वहां से निकलेगी और जी अपना आगे की जिंदगी जिएगी, जी नर्क से बाहर निकलेगी। जी तलाक एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत लंबी बातचीत हो सकती है सर, लेकिन इस समय की भी अपनी एक मर्यादाएं हैं। मैं आपसे आइए पूछना कभी फिर चाहूंगी देखें। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यदि कोई युवा अधिवक्ता बनना चाहता है तो उसे आप क्या सलाह देंगे, किस लाइन में जाए या क्या करे और उसकी क्या एजुकेशन होनी चाहिए? नहीं,
नहीं, इस पेशे में काफी उन्नति हुई है और जी इस पेशे में आए और लगन से करें तो बढ़िया पेशा है। मैं तो लड़कों से ज्यादा बच्चियों से आग्रह करूंगा कि इस पेशे में आए, उनके लिए भी काफी अच्छी संभावनाएं इस पेशे में हैं जो पहले नहीं आती थी, वो जी आए। जी इससे क्या होगा कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी भी बढ़ेगी और वो अपने अपनी सुरक्षा और साथ साथ समाज में दूसरे लोगों की भी सुरक्षा कर पाने में सक्षम होंगे। और शायद स्त्रियां स्त्रियों की समस्या को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगी, और जाहिर थोड़ी है समझ लें सी और सुधार, थोड़ा सा सुधार हम सोच सकते हैं उनके माध्यम से समाज में आए। कानून की जानकारी, देखिए एक बेसिक जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि उसके लिए वकील रहे, लेकिन जी पेशे जी में अगर उनकी संख्या बढ़ेगी तो अपने जैसे बच्चियों की मदद के लिए वो सामने आएंगे, इसकी संभावना ज्यादा है। जी नहीं तो जी हमने तो यहाँ आके भी शोषण होते देखा है बच्चियों। जी हाँ, ये शोषण से बचाव की स्थितियां कब बनेंगी, कब जो है इस तरह के और भी बहुत सारे जो है मामले आते हैं। रोज जब स्त्रियां थोड़ा सा आगे बढ़ती है, कहीं ना कहीं कहीं एक ऐसी घटना घटित हो जाती है कि उनका जो विकास है, उनकी जो स्वतंत्रता है, उनका जो अस्तित्व है, फिर खतरे में पड़ जाता है। फिर वही बंधन समाज के हो जाते हैं कि नहीं, घर से नहीं निकलना है और कम निकलना है, शाम ढले घर आ जाना है, इस तरह की स्थितियां आती हैं। तो ये स्थितियां तभी कम होंगी, आपका कहना है कि जब लड़कियां अच्छे से पढ़ जाएंगी और अपनी सुरक्षा स्वयं करना सीख जाएंगी। जी भैया उन पर भरोसा करें आप हर समय अपनी गार्जियनशिप उन पे मत रखें। आपको ये क्यों लगता है कि हमारा लड़का बाहर जाएगा तो 1 बजे भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और मेरी बेटी बाहर जाएगी तो 8 बजे नहीं आई तो फोन करना शुरू कर दो। इसके पीछे तो यही कारण है कि जी वो जो हमारा सेक्सुअलिटी का जो एस्पेक्ट है, जी जी शारीरिक जी रूप से वो स्त्री है जी और उसको जी सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है, ये हमारे जी समाज में ये बातें बंधी हुई है पहले से, इसीलिए हम जी चिंतित जी होते हैं, वरना देर से आने जी में क्या दिक्कत थी। तो इसीलिए बच्चियों को सही मायने में लाने के लिए उनको उन्मुक्त करें। घोंसले से जी जब पंख आने पर चिड़िया जैसे उड़ती है तो उसके पीछे पीछे जी माँ उड़ते हुए नहीं जाती है। एक आध बार हो जी सकता है ठोकर लगे, लेकिन जी संघर्ष करने की जो क्षमता उनमें डेवलप होगी, आप घर में बैठा के नहीं कर सकती, वो बाहर निकले, समाज को अपने नजरिए से देखे, फिर अपना बिल्कुल भला भला बुरा वो चाहे, जी, ये सब समय उन आपकी घटनाओं लाठी आपके इशारे से अपने आप को सक्षम बनाए ये नहीं है, उनको अपने आप करने दीजिए। एक बार हो सकता है गिरे, लेकिन संभल के जब उठेगी तो दोबारा फिर वो गिरेगी नहीं, नहीं, गड़बड़ यहाँ लेकिन है। सर मैंने देखा है कि लड़कियां समझते समझते वो फिर जो है उसी धरे में चली जाती हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं। नहीं, ये बात सही नहीं है। समस्या ये है कि आपने उसको सही मायने में उन्मुक्त नहीं किया, आपने उसको उसको जो संस्कार या जो तरीका होना चाहिए आप उसको उतना क्वालिफाइड नहीं कर पाई है, उनको सही जी मायने में समाज को फेस करने के लिए जो, एक तो हम वो तैयार वातावरण करना नहीं दे पाए हैं समाज में जो वातावरण में हर व्यक्ति सुरक्षित हो, तो ये इतनी आसानी से तो होता नहीं दिख रहा। तो तो फिर आप संस्कार देने उनको के लिए माँ को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए और माँ को भी यहाँ से बौद्धिक तौर पर नहीं, बहुत पढ़ा लिखा अब आप प्रबल बताइए, होना। आज हम नहीं, आज हम आप जो भी कर रहे जी हो, हमारे बचपन में हमारी माताजी कितनी पढ़ी लिखी थी जी जी ये बताइए। हमारी माँ का तो मुश्किल से नाम लिख पाती थी, तो जी जी लेकिन उनका हमारे गठन में एक एक सीरियस कंट्रीब्यूशन रहा होगा। जी जी पिताजी शिक्षा से जुड़े हुए थे, पढ़े थे, जी प्रकांड जी विद्वान थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर जी हमें जो संस्कार मिले हैं उसके लिए तो कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग किसी को अलग से नहीं थी। नहीं दी आपको गई घर है। का माहौल, आप बिना पढ़े लिखे हुए भी जो जीवन की बेसिक बातें हैं वो तो आपको आ ही सकता है अगर आप उस माहौल में हैं, तो सिखा सकती है। जी। उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। बहुत सी अनपढ़ माताएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को लाजवाब बनाया है, पढ़ जरूर लिख के किसी का दिमाग खराब कर देने से तो बढ़िया है कि बिना पढ़े उनको इंसान बनाने की आप कोशिश करें। इंसान बनाने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है, और हमें तो समाज में इंसान की जरूरत है, इंसानियत की जरूरत है, वरना तो क्वालिफाइड लोग चोरी करते हुए नहीं पकड़े जा रहे, घूस खाते पकड़े जा रहे हैं, अपराध करते हुए पड़े जा रहे, आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस हैं, लेकिन अरेस्ट हो रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई से अगर ईमानदारी और शराफत का कोई होता तो इस तरह के लोग तो इनमें नहीं पढ़ते। तो नियत ठीक करने के लिए पढ़ा लिखा होना माताओं का जरूरी नहीं है, इसका मतलब अपने बच्चे को मानवीयता आप की शिक्षा हर माता पिता को अपने बच्चों को देना चाहिए। जी इंसानियत की शिक्षा सबसे जरूरी है, इंसानियत की जी शिक्षा। आदमी गरीब रह के भी इंसान रह सकता है, रह पैसा वाला सकता है। होके भी जी इंसानियत की कमी आपको महसूस होगी, वहां भी हो सकता है।
तो माँ के लिए जी कहा ना कि पढ़ी लिखी माताएं होनी चाहिए, ये सबसे आखिरी बात होगी। बिना पढ़े जी जी हमने लाजवाब माताएं देखी हुई हैं अपनी जिंदगी में, मैंने जी मैंने अपनी खुद की माँ को देखा है। जी नहीं तो उस समय सर क्या था कि कुछ नीति संबंधी बातें थी, कुछ नीति संबंधी कहानियां थी जो हमारे चरित्र के विकास को मतलब आगे बढ़ाती थी, जो किस्से थे, अगर पढ़ी लिखी नहीं थी वो जो संस्कार थे वो। लेकिन आज बहुत बदलाव आया है, बच्चे पैदा होते ही मोबाइल ले लेते हैं, समय तो हो ही रहा है। तो इस बदलाव में कहीं ना कहीं माता पिता को भी एक कसमाकस की स्थिति होती है कि किस तरह से वो अपने बच्चों को शिक्षित करें, तैयार करें, ताकि वो मतलब सबल होकर समाज की विसंगतियों का सामना कर सके। जी आधुनिक युग में जो सुविधाएं मिली हैं, जितनी आसानी से जी सबको प्राप्त हो रही हैं, इसने जितने जी दरवाजे खोले हैं, उसी दरवाजे से गलत व्याधियां भी उसमें आने की तो संभावना उतनी है जितनी आप सुविधा जी ले रहे हैं। अगर इंटरनेट के थ्रू से आप अगर सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें गलत जानकारी प्राप्त करने के भी आसार उतने हैं। तो जब बिना नियंत्रण के आप उनको सारी सुविधाएं जब मिलती हैं, तो फिर ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वहां से वो कौन सी जानकारी प्राप्त करेगा। हंस जैसा तो है नहीं कि उसमें से सिर्फ दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। तो जब जी आपके मन में जिज्ञासा होगी और आपका बैकग्राउंड, आपका परिवार, उस आपका लालन पालन अगर ठीक नहीं होगा, तो फिर आपकी इच्छा धीरे धीरे उन गलत बातों को जानने की भी होगी, और धीरे धीरे मजा आने लगेगा। फिर जहां आनंद आएगा, दिमाग उसी तरफ भटकता जाता है, और फिर उसको पूरा करने के लिए और जितनी नेगेटिव चीजें होती हैं उसकी अरेंजमेंट जी अपने आप होने लगती है समय के साथ। तो इसीलिए रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। तो अब पहले जितना उस समय हमारी माता जी ने हम लोगों को जैसे पढ़ा लिखा दिया, या जितना भी हम जिस तरह से भी बने, आज की माताओं के लिए चैलेंज ज्यादा है। और दूसरी जी समस्या यह बहुत है कि ज्यादा जो माताएं हैं वो खुद भी उसी दरवाजे से पॉल्यूशन हो या जो भी है वो खुद भी ग्रहण कर रही हैं। तो उन खुद कर आप खुद अपने हाथ में सिगरेट पीते हुए किसी और को मना करेंगी, तो कोई क्यों सिगरेट पीना छोड़ेगा। तो पहले जरूरी है कि सही मैं बात। छोड़ू। तो हमारी अगर व्यवस्थित जिंदगी नहीं है इन मामलों में, तो हम अपने बच्चों को सिर्फ निर्देश देके इसका पालन पूरा नहीं कर सकते। जी सही बात है सर। सबको अपने आप पर नियंत्रण होना जरूरी है, सबको अपने पर नियंत्रण रखना जरूरी है, तभी हमसे देख के बच्चे सीखेंगे। अगर मैं रात में 2 बजे घर आता हूँ, मैं रोज दारू पी के घर आता हूँ, दारू पीना बुरी बात नहीं है, मैं नहीं पीता हूँ इसका मतलब मैं बढ़िया हूँ और कोई खराब है ये भी नहीं है, लेकिन अगर आपके बच्चे देख रहे हैं तो कल वो भी उसी टाइम शेड्यूल से घर आते हैं, तो आप उनको मना करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो आपको अगर मना करना है उनको, तो आपको समय से घर आना होगा, आपको उसी तरीके से व्यवस्थित तरीके से रहना होगा, ताकि फिर आप अपने बच्चों को कहें कि ऐसे रहो। तो हमें उससे दूरी, जिन चीजों को हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा नहीं करें, पहले हमें उससे करना छोड़ना होगा, तब जाके हम ये प्रधानाध्यापक घर में बन सकते हैं, नहीं तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और जी समय की अपनी मर्यादा है, समय हो चुका है, और जैसा कि आपने कहा था कि वास्तव में हर एक मुद्दे को लेकर घंटों बात हो सकती है, और मेरे कुछ प्रश्न रह भी गए हैं अधूरे जो मुझे आपसे पूछने थे, और समय हो गया है। खैर, समय की अपनी सीमा है, आगे कभी वक्त मिला तो फिर हम नहीं, इस जरूर, मंच कभी पे मौका आते। मिलता है तो हम लोग फिर किसी विशेष विषय पर अलग से बात करेंगे। जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू, खूब बढ़िया। हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे फिर आएंगे दोबारा ऐसे ही किसी व्यक्तित्व को लेकर जो समाज में परिवर्तन की बात करता हो, और परिवर्तन के साथ साथ दिशा निर्देश भी देता हो, ऐसी ही शख्सियत को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर।